आचार्य श्री और जो डायस पर विद्वजन बैठे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा इस सेमिनार की जो सोविनियर है स्मारी का है, लगभग 100 से अधिक इसमें शोध पत्रों की सारावली जो है वो प्रकाशित है। अपने कर कमलों से आचार्य श्री इसका विमोचन कर रहे हैं। आयोजन सचिव प्रोफेसर भारद्वाज जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और इस सेमिनार के विषय में अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। प्रोफेसर भारद्वाज, आज के दैनंदिन जीवन की जो जीवनचर्या हमारी निरंतर प्रभावित होकर रुग्णता और दूसरे विकारों को जन्म देने वाली है, उसके समाधान के लिए योग से उत्तम कोई उपाय नहीं है ऐसा माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो योग का जीवन जीने वाले हैं वो इन समस्याओं से बचे रहते हैं, इसलिए सबके लिए सर्वसुलभ हो इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर हमने इस विषय का चयन किया। यूकोस्ट उत्तराखंड सरकार से इसके लिए आवेदन किया था तो उन्होंने कुछ आंशिक अनुदान देकर हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी के प्रयास से जो ये गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है उसमें आर्थिक सहयोग उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से भी किया, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का भी हार्दिक आभारी हूँ। जिस गोष्ठी में आप आज सम्मिलित हो रहे हैं उसमें दो दिन जो विषय यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जाएंगे, उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सहयोग इस जीवन स्तर को सुधारने के लिए होगा ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है, मुख्य अतिथि का उद्बोधन वैसे तो आपको और थोड़ा बाद में मिलना चाहिए था, परंतु बहुत काम है, आप सब समझते हैं। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे एक सामान्य निमंत्रण पर आप सहर्ष स्वीकृति देते हैं, ये आपका बहुत बड़प्पन है। आपका मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, अब मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आचार्य श्री बालकृष्ण जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आचार्य श्री बालकृष्ण जी, जो टॉपिक जो विषय यहाँ चयन किया गया है कि जो योगिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जितने भी लाइफ स्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि आज दुनिया का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी यदि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो 80% उससे बचा जा सकता है। जिस रोग को हम सबसे भयानक भयावह मानते हैं उस बीमारी को भी हम अपने जीवन शैली को, जीवन पद्धति को परिवर्तित कर करके हम ठीक कर सकते हैं ऐसा वो कहते हैं। तो वह जीवन पद्धति क्या हो, वह जीवन पद्धति कौन सी है, उस जीवन पद्धति का नाम ही यौगिक जीवन पद्धति है, आप ये समझिए। यौगिक जीवन पद्धति के अतिरिक्त ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसको अपना करके जीवन को पूर्ण स्वस्थ सुखद और आनंदमय बनाया जा सकता है। इस पद्धति को हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व इस दुनिया के लिए, इस मानवता के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए विधान किया। वेदादि शास्त्रों से लेकर के हमारे वैदिक वाङ्मय में योग के संदर्भ में बहुत विशद वर्णन है। यदि मैं कहूँ कि संपूर्ण जो आयुर्विज्ञान है, जिसको हम जैसे आयुर्वेद की बात आती है तो कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि आयुर्विज्ञान का मतलब है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, पर यदि हम बात करें बहुत गहराई से
तो जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम जो सिद्धांत है वो ये नहीं कहता है कि हमको बीमार होना है, वो कहता है कि बीमारी से हम कैसे बचें। उसके अंदर भी आप देखेंगे मन आत्मा शरीरगत व्याधियों के विषय में विशद वर्णन है। और चरक ऋषि को भी यह लिखना पड़ा कि जो सर्व जो रोग हैं उनका कारण प्रज्ञा अपराध है, और यह कहना पड़ा कि सारे रसायनों का जो मूल है वो संयम परमम रसायनम, भाई सारी बीमारी का कारण है प्रज्ञा अपराध, सारे रसायन का मूल है संयम, तो दो में सारा लाइफ स्टाइल आ गया। आज सारी जितने भी व्याधियां हैं बीमारियां हैं उसका कारण मूल रूप से आप देखेंगे प्रज्ञा अपराध है। हम कहीं ना कहीं से अपने विकारों से ग्रसित होकर के काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर के विविध तरह के विकृतियों को हम करते हैं, करने के बाद में परिणाम के स्वरूप हमारे सामने वो रोग के रूप में पैदा होता है। तो उसका उसका इलाज क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, वो चरक ऋषि स्वयं कह देते हैं संयम परमम रसायनम, सदाचार पूर्ण जीवन को जियो तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यह वहां पर समस्या भी गिनाया गया है तो समाधान भी बताया गया है। दुनिया के जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वह बीमार होने के बाद में रुग्ण होने के बाद में वह चिकित्सा की बात करती हैं कि तुम बीमार हो जाओ तो ये खाओ, परंतु हमारी जो ऋषियों की पद्धति है वह पद्धति हमको यह सिखाती है कि हम बीमारी से कैसे बचें और बीमारियों के कारण क्या है। यह हमारी वैदिक संस्कृति, यह हमारी यौगिक पद्धति के अंदर ही इस तरह की विधाएं, इस तरह की अवधारणाएं, इस तरह की मान्यताएं और इस तरह का समाधान का वर्णन है जो दुनिया में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। आज दुनिया के अंदर जितना भी अनुसंधान हो रहा हो, दुनिया के अंदर नई नई खोज हो रही है, अनुसंधान नई नई चीजें हो रही हैं, क्योंकि योग विषय बहुत व्यापक है, बहुत विशेष क्षेत्र है। वह दुनिया की बात करता है, वो अर्थ की बात करता है, तो वो परमार्थ की बात करता है। हम न केवल इस जन्म की बात करते हैं, न केवल इस जीवन की बात करते हैं, हम तो यह लौकिक और पारलौकिक आनंद की बात की जाती है, वो योग के द्वारा संभव है। तो इस जीवन में ही जब हम अशांत हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम हताश हैं, हम निराश हैं, तो परलोक की बात तो बहुत दूर की बात है। तो दोनों ही चीज़ को योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। कम से कम अब की जो आधी व्याधि बीमारियाँ हैं, जो परेशानियां हैं, विकृतियां हैं, उनको तो हम आराम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि योग आज समस्या का जो बड़ा कारण है, हमारी विकृतियों का कारण है, वो हमारा भटकाव है। भटकाव है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, वह अपने से विमुख होने से प्रारंभ होता है। आप सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, हम देश दुनिया सारी जहाँ के समाचार को सुबह सुबह जान लेते हैं। हम सुबह उठ करके टेलीविजन न्यूज़ चैनल लगा देते हैं, हम सारी धरती के न्यूज़ को जानते हैं, मोबाइल जेब में लेकर के घूमते हैं, व्हाट्सएप और हम विविध तरह के दूसरे संसाधन से, सोशल मीडिया के माध्यम से विविध तरह की चीज़ों को जानते हैं। दुनिया के जितने भी साधन हैं, दुनिया की जितने भी चीज़ हैं, वह दुनिया को जनाने की बात करती है। दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं वह अपने आप को जानने की कोई बात नहीं करती है। तो ज्यों ज्यों हम अपने से विमुख होते जाते हैं, त्यों त्यों हम विकृतियों से ग्रसित होते जाते हैं, और ज्यों ज्यों अपने से जोड़ते जाते हैं त्यों त्यों विकृतियों से मुक्त होते जाते हैं। अपने से जोड़ने का काम कोई कर सकता है तो मात्र योग से ही संभव है, अन्यत्र दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इसीलिए योग की प्रासंगिकता की बात करें, योग की आवश्यकता की बात करें, योग की लाइफस्टाइल डिजीज से उसके संबंध की बात करें। मैं कहता हूं कि कई जगह पर कई चीजों के लिए बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, परंतु यदि जीवन को शुद्ध पवित्र निरामय और निरोग पूर्ण जीना है तो नान्य पंथा विद्यते आयनाय, दुनिया में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यौगिक जीवन को छोड़कर के कोई जीवन नहीं है। और लास्ट में एक निवेदन करता हुआ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी उस श्रेणी में थोड़ा आता हूँ, अभी मैंने थोड़ा योग करना शुरू कर दिया क्योंकि व्यस्तताएं इतनी रहती हैं। श्रद्धेय स्वामी जी तो बहुत योग करते हैं, वो योग सिखाने से पहले भी डेढ़ दो घंटा योग करते हैं। मैंने तो योग करना ठीक से अब शुरू कर दिया है, बीच में गैप हो गया था, पर जितने योगी हो आप भी पहले अपने आप योग तो कर लेना, क्योंकि पहले हम करेंगे फिर दुनिया को कराएंगे, ये सिद्धांत को भी हम अपने जीवन में उतरा लें। क्योंकि मैंने देखा, मैं कहीं किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमने देखा कि कभी कभी हम सब चीज़ दूसरों के लिए कर देते हैं, हम अपने आप स्वयं वंचित रह जाते हैं। तो स्वयं हम जीवन में उतार लें, औरों को भी प्रेरित करें, औरों को भी जोड़ें, क्योंकि अब आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत सुंदर समय आने वाला है। सरकार अनुकूल है, सरकार में शीर्षस्थ लेवल पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्तित्व भी उसके लिए समर्पित है, योग के प्रति वो निष्ठावान हैं, तो हमारे लिए इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। और अभी भी हम चूक गए तो मैं समझता हूँ कि फिर संभवतः दुनिया को योग से रूबरू कराने का, परिचय कराने का समय न जाने फिर कब आएगा।
तो यह समय को, क्योंकि समय ऐसा होता है, शास्त्रों में ऐसे ही कहा गया है, कहीं पर लिखा हुआ है कि समय जो होता है वह आगे से तो बालयुक्त तो होता है, पीछे से गंजा होता है, तो आगे से ही पकड़ में आता है, पीछे से फिर हाथ नहीं आएगा। अभी तो हमारे हाथों में है, हम पकड़ लें, अपने को सुधार लें, दुनिया को सुधार लें। और गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के, क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में आप हैं, उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हम अपने को बना लें, दुनिया को बना लेंगे। तभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आयु में तो भाई मैं सबको बड़ा मानता हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं तो मानता हूँ इस गुरुकुली परंपरा, ऋषि दयानंद सिद्धे स्वामी सिद्धानंद जी जैसे उस परंपरा की देन है, और बाकी जहाँ भी जो भी शुभ है वह सब हमारे ऋषियों का है, हमारी परंपराओं का है, हमारी संस्कृति का है। कहीं भी यदि कोई कमी है तो हमारी अपनी है, तो मैं अपनी कमियों के लिए, कोई ऐसे व्यवहार के लिए क्षमा चाहूँगा, और आज जाना पड़ेगा, अनिच्छा से भी मुझे जाना पड़ रहा, इसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगते हुए मैं विदा लेना चाहूँगा। ओम। आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने व्यस्त समय में से निकाल करके हमको कुछ पल दिए, आशीर्वाद दिया। इसी श्रृंखला में गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर शरद पारधी साहब को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। डॉक्टर शरद पारधी जी। सबसे पहले मैं इस महान विश्वविद्यालय के संस्थापक को स्वामी सिद्धानंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा एक अपूर्व काम किया है कि एक भारतीय शास्त्रों को एकत्रित लाकर पढ़ाने की नीति से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके छत के नीचे हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। वैसे देखा जाए तो इस सभागार में और इस विश्वविद्यालय में योग के सभी जानकार हैं। मैं केवल जानकार हूँ, मैं अब योग करता नहीं हूँ, लेकिन जिस विश्वविद्यालय के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिस विश्वविद्यालय के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय में योग को प्रत्येक कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो इस योग को ही जोड़ा गया है हमारे प्रत्येक विषयों में, और हर विद्यार्थी से हम अपेक्षा रखते हैं कि इसके अंदर वो काम करे। अष्टांग योग में से जो हमारे पहले 4-5 योग है, जिसको बहिरंग कहा गया है, उसके साथ इसमें हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही हम शुरुआत करें। योग की बात तो सब जानते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होती हैं ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, कब तक आपके साथ रहती है, और इसको हमको कैसे मैनेज करना है। मित्रों, जन्म से ही इशू का शिक्षण क्रम शुरू होता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब भी उसकी संवेदनशीलता इतनी सूक्ष्म होती है कि चित्तों को, चित्त के विचारों को, बोले हुए विचारों को सुन के वो ग्रहण कर लेता है। गर्भ से बाहर आने के बाद भी शिशु इतना ग्रहणशील होता है कि हर चीज को जानने का प्रयास करता है। उसका रोम रोम जानना चाहता कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जानना चाहिए। अगर कोई आवाज़ होती है तो आवाज़ की तरफ देखता है, कोई रंगीन चीज़ दिखती है तो रंगीन चीज़ को देखना पसंद करता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं कुछ जानूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, मुझे जानकारी मिले। ऐसी अवस्था में हम उसको क्या देते हैं? अब हमको सोचना चाहिए, लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं तो उस अवस्था से हम शिशु को क्या देते हैं। और इसीलिए कहा गया कि गर्भिणी के लिए वातावरण बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम बच्चों को आकर्षित वस्तुओं की तरफ आकर्षित करते हैं, हम देते भी वही चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष शिक्षण जब शुरू होता है, ये तो हम बहुत छोटे बच्चे की बात करें, जब शिक्षण शुरू होता है हम शिक्षण में बच्चों को क्या देते हैं? शिक्षण 2 पद्धति का है, एक है शिक्षा, जानकारी, इन्फॉर्मेशन, जो आप केवल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिसके अंदर आता है आपका लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन। बस इतना 4 काम कर लेने से आपकी जानकारी पूरी हो जाती है। लेकिन एक भाग वो भी है शिक्षण का, जिसको हम विद्या कहते हैं। क्या विद्या हम देते हैं बच्चों को? आज स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, किंडरगार्टन में बच्चे जाते हैं, क्या इनको मूल्यों का शिक्षण कभी देने की बात सोची है? केवल माँ अपने घर में जितना मूल्य शिक्षण देती है, जो बताना चाहिए, जो विद्या इनको देनी चाहिए, वो विद्या देने का क्रम हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल में यहीं से एक डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। और फिर हम लोग सोचते हैं, जब जीवन का एक यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा आता है, एक माइंडसेट बन गया है उसका, और वो जब यूनिवर्सिटी लेवल में आता है तो उसका साध्य होता है, क्या करना है उसको। तो आज देखो मित्रों, जीवन में केवल 2 साध्य रहे हैं, 2 चीज़ें हर व्यक्ति चाहता है,
एक है टू अर्न मनी, एक है पैसा कमाना, और दूसरा है टू अर्न मोर मनी बाय एनी मीन्स। बस ये दो चीजें हैं, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए। अब ये दृष्टिकोण अगर हमारा है बाय एनी मीन्स इफ यू वांट टू अर्न मनी, व्हाट विल बी द लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसे होगी? हमको वहां से शुरू करना होगा, और ऐसे लोगों को हमको डील करना है जो कि एक बिजी लाइफस्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आपके योग की परिभाषा और योग का दर्शन और योग के अष्टांग जब बताते हैं वो दूर भागते हैं कि साहब ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो हमको समझता ही नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है। ऐसे लोगों को हम योग कैसे देंगे हमको, और इस साध्य का निर्धारण हमको कैसे करना है? हर व्यक्ति चाहता कि मैं संपन्न बनूं, लेकिन मेरी क्षमता है कि नहीं? क्या मैंने अपनी क्षमता का विकास किया है? संपन्नता आएगी कहाँ से? बाय अनड्यू मीन्स और ड्यू मीन्स, हमको वो सोचना चाहिए। और ये कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? योग की शुरुआत शिशु वहाँ से होती है और मृत्यु तक साथ में चलती है। तो इसके तहत योग का कौन सा हिस्सा हमको किस तरह से प्रस्तुत करना है? मित्रों, ये काम योग शास्त्रियों का है। आप सब बैठे हुए हैं, योग के जानकार लोग हैं, मैं तो केवल अगर बल्कि पक्ष को आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, आप चाहते हैं अधिकार, पात्रता है कि नहीं इसका विचार नहीं होता, अधिकारों की बात होती है। और इसके अनुशीलन, हम प्रैक्टिस कैसा करते हैं इसको, हम इसके अंदर जो हमारी मूल संपत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति की एक मूल संपत्ति है मित्रों, आपको पता है, वो है आपका समय, योर टाइम। आपको जब कोई कहता कि आप थोड़ा समय दीजिए तो हम कहते हैं साहब हमारे पास में समय नहीं है, और जब तक आदमी समय नहीं देगा वो योग नहीं कर सकता। और लोगों के पास में समय ही नहीं है तो किस तरह से दिया जाए? एक बहुत अच्छी बात है इसका, इसमें क्या होता है, वृत्ति अशांत होती है, जीवन स्टाइल असमाधानी होती है, और मन में फिर विचार विकृति आती है। विचारों का विकृत होना आज से सबसे बड़ी समस्या है। आस्था संकट कहा है, प्रज्ञा अपराध कहा गया है, लेकिन वो है क्या चीज़? दुश्चिंतन। दुश्चिंतन जब करते हैं तो इन विकारों से प्रादुर्भाव होता है, इन दुश्चिंतन से जो हमारे विचार भ्रष्ट होते हैं, इस भ्रष्टता से होते हमारे रोग पनपते हैं, मनुष्य के अंदर प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है। मित्रों, इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी आपको सोचना है। एक बहुत अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, भारत के लिए बहुत बड़ी संधि है, और एक योग के प्रति विश्व का आकर्षण है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? आपको इस विषय को लेना चाहिए कि विश्व का आकर्षण अगर योग है, तो योगाचार्यों का, हम लोगों का जो कि योग पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है और उसको हमको कैसे निभाना होगा। मेरे दृष्टि से मैंने ये सोचा है कि लोगों को अगर समय नहीं है तो योग का डोज कैसे दिया जाए? सबसे अच्छा परिणाम होता है, लोग क्या कहते हैं, गोली ले लेते हैं। तो क्या हम कोई कैप्सूल बना सकते हैं, 15 मिनट्स कैप्सूल, हाफ एन आवर्स कैप्सूल, विच विल इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड हिज इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड इन योग, योग के अंदर उसकी जिज्ञासा जागृत हो, इस हिसाब से हम क्या कोई कैप्सूल बना सकते हैं? इतने सब हम लोग हैं। अभी मैं बात कर रहा था आपके कुलपति जी से कि 2-3 विश्वविद्यालय आकर क्या इस तरह से कॉम्पैक्ट प्रोग्राम जो कि कम समय में लोगों का इंटरेस्ट भी जागृत कर सके और हम लोगों को दे सके। इट्स ए ट्रेनिंग कैप्सूल ऑफ 15 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर, मे बी 1 आवर, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। आज लोगों के पास जो चीज़ नहीं है उसी सीमा के अंदर रहकर हमको देना पड़ेगा, रुचि पैदा करनी पड़ेगी। और छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम 15-15 मिनट के, 5 लेक्चर के, 5 कोर्सेस अगर आप दे सकते हैं, एक सीढ़ी का सेट बना के दे सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट जागरूक होना ये पहली जिम्मेदारी है। जब तक इंटरेस्ट जागरूक नहीं होगा और उनके पास जो समय अवेलेबल है उतने समय में उनको योग करने के लिए प्रवृत्त कैसे किया जाए, ये हमारा चैलेंज है। और अगर ये चैलेंज इस सभा के अंतर्गत अभी सभी विद्वान पेपर्स पढ़ेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, तो क्या इस तरह से सोचा जा सकता है? एक मैंने केवल मुद्दा रखा है विचार के लिए कि जो बिल्कुल जिसके पास समय नहीं है, जो योग को जानता नहीं है, योग के अष्टांग देके डरता है, उसके लिए इंटरेस्ट कैसे जनरेट करें, और अगर इंटरेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम कैसे सप्लाई करें, क्योंकि पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है, योग के लिए विश्व का आकर्षण है, तो आपकी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के सेमिनार से हमारी क्षमता, इस तरह का टाइम कैप्सूल या एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए अगर हो पाएगा तो हो सकता है
कि अनगिनत लोगों को हम इसके और आकर्षित कर पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद पार्थी साहब। स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ये पंक्तियाँ आती हैं, स्वाध्याय से योग को प्राप्त करे और योग से स्वाध्याय को प्राप्त करे। स्वाध्याय और योग ये संपत्ति जिसकी बन गई, निश्चित जानिए उसके अंतःकरण में परमात्मा प्रकाशित होता है। वास्तव में यह योग की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है जो जीवन को समायोजित करती है, प्रबंधन में डालती है। जिसका जीवन प्रबंध युक्त नहीं होता, बिखरावा उसका जीवन हो जाता है और बिखरावा जीवन विकृत हो जाता है। वो विकृति आज पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रही है। इस तरह का कुछ वक्तव्य हमारे पार्थी साहब ने हम सबको दिया है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में, जिनको सुनने के लिए आप लालायित होंगे, पद्मश्री भारत भूषण जी को आमंत्रित कर रहा हूं। योगिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स विषय को लेकर के आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचस्थ अति विशिष्ट विद्वज्जन हमारे संगम सुना था प्रयागराज में है, लेकिन यहाँ तो सरस्वती का सीधा संगम है, पतंजलि विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये और उन विश्वविद्यालयों का सार्थक प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं के कुलपतियों के माध्यम से, सचिव के माध्यम से, और फिर योग का प्रतिनिधित्व इस रूप में कि यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं, मातृशक्ति भी हैं, देश के विभिन्न कोने कोने से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को हमें देखने का मौका दिया कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। नहीं तो हमें अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, जोर लगाना पड़ता है अंग्रेजी के लिए ही, क्योंकि ऐसी धारणा बनती चली जा रही है कि अगर अंग्रेजी में हम नहीं बोल पाते तो विदेश को योग नहीं सिखा सकते। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में था, यद्यपि मैं गर्व महसूस करता हूँ कि अपने हाथ से कोई पौधा लगाया हो तो वो बढ़ता हुआ दिखे, फलता हुआ दिखे तो खुशी का पारावार नहीं होता। मैं जब खिलाड़ी था, वैसे खिलाड़ी था कभी नहीं होता, खिलाड़ी हमेशा रहता है। ऐसे ही बहुत लोग कह देते हैं कि वो हमारे गुरु रहे हैं। मैंने कहा गुरु या तो होता है या नहीं होता है, वो भी हमेशा होता है। टीचिंग इज टचिंग लाइफ फॉर एवर। लेकिन खिलाड़ी के रूप में मुझे आज याद आ गया एक मेरा बहुत अच्छा सा चित्र जो मुझे भी अच्छा लगता था, उसको दुनिया में बहुत देशों ने छापा 1976 के दशक में। उस चित्र के नीचे मैंने लिखा था कि जो खुशी किसी सेठ को अपनी तिजोरी देख करके होती है, जो खुशी किसी किसान को अपनी लहलहाती हुई फसल देख करके होती है, जो खुशी किसी रूपसी को अपना सौंदर्य देख करके होती है, वही खुशी एक खिलाड़ी को, एक साधक को अपना संतुलित जीवन देख करके होती है। तो ऐसे ही 1990 में जिस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को हमने शुरू किया, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि उस दिन अमेरिका का एक ट्रूप मेरे पास था, उससे पहले जब ये परिकल्पना मन में आई थी, और उनका आग्रह था कि स्वामी जी आप विदेश क्यों नहीं चलते, आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर बाहर जाने में क्या संकोच है, आप कहते हैं कि नहीं यहीं कुछ होना चाहिए। तो हमने उनको समझा लिया, लेकिन मन में भाव था कि अगर इस विद्या में बल है
तो विदेशी लोग आकर के हमारे भारत में यहाँ विद्या सीखने के लिए आएं और हम ट्यूटर के रूप में बाहर ना जाएं। उस परिकल्पना को मूर्त रूप 1990 में दिया गया, आज वो बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन मैंने वहाँ पर इस अपने कष्ट को जाहिर किया था कि आज विदेश में दौड़ने की इच्छा लेकर के, विदेश में पांव जमाने की इच्छा लेकर के अपनी धरती से हम अपने पांव उखाड़ रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। मैंने देखा कि आज विदेशी तो हमारे पास आ रहे हैं ये सोच करके कि हम योग के सच्चे स्वरूप को भारत में जा करके सीखें, वहाँ के योगियों से, वहाँ के गुरुओं से, वहाँ के आश्रमों से, वहाँ के विश्वविद्यालयों से। लेकिन हमारे आश्रमों में गंगा के किनारे आज रोमांस योगा होने लगा है, आज हॉट योगा होने लगा है, डोगा योग होने लगा, आपको सब काफ़ी कुछ पता है। और हम केवल ये सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक हमें ग्राहक मिले और पैसा मिले। तो ऐसे में जैसा कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, क्योंकि वो संस्कृति की पीठ है, वहाँ के कुलपति ने जो कहा वो निश्चित रूप से सही है कि हम किस रूप में, किस दिशा में विदेश की इस जिज्ञासा को लेकर के जाने वाले हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चिंतन का विषय बनता है।